हाय गाइस, आपका स्वागत है टीएनजी गेमिंग चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज हम करेंगे गेमिंग रिव्यू हमारे सैमसंग के A71 का। अगर आपको इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग या बाकी की टेस्टिंग देखनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम इस डिवाइस में दो गेम्स खेलेंगे और देखेंगे कि डिवाइस के अंदर हमें कैसी परफॉर्मेंस मिलती है, सेटिंग्स को हाई करने में आपको कैसी परफॉर्मेंस मिलती है, और उसके साथ ये भी देखेंगे कि 1 आवर की गेमिंग में हीटिंग इशू आता है डिवाइस में या नहीं, और साथ ही बैटरी कितनी लगती है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसके गेमिंग रिव्यू को। चलिए फटाफट से ले लेते हैं डिवाइस का टेम्परेचर। 25 डिग्री आया है हमारा टेम्परेचर। और अब अगर मैं आपको दिखाऊं इसकी बैटरी परसेंटेज, तो ये आप देख सकते हैं 32% पे है हमारा डिवाइस। और इसके अंदर अभी हमारी जो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमाइज्ड है, हाई परफॉर्मेंस का हमें इसके अंदर मोड नहीं मिलता, तो ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस पे हम डिवाइस में गेम खेलेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारी एस्फॉल्ट 9 को। ये आप देख सकते हैं गेम स्टार्ट करते ही हमारा गेम बूस्टर यहाँ पे ऑन हो गया है, जहाँ पे आपका टेम्परेचर और जो हमारी मेमोरी है वो मॉनिटर करी जा रही है। साथ ही कुछ शॉर्टकट एप्स मिलते हैं जिनको मल्टीटास्किंग में आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से गेमिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम इसके डिवाइस के प्रोसेसर की बात करें तो हमें इसके अंदर मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730 का प्रोसेसर, जो कि हमारा 8nm प्रोसेसर है। उसके साथ आपको One UI 2 का इंटरफेस मिलता है और साथ ही Android 10, और हमारे पास इसका 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट है। इसका डिवाइस का एंटूतु स्कोर की भी हम बात करें तो 2,77,000 के पास आता है। और इसी बजट में जो हमारे बाकी डिवाइसेस हैं उनके अंदर एक्चुअल में हमें बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर मिल जाता है, फ्लैगशिप प्रोसेसर, और उनका स्कोर अगर हम देखें तो जैसे कि Realme X2 Pro का स्कोर हमारा 4,72,000 आता है, Redmi K20 Pro का हमारा 4,25,000 आता है। तो इस हिसाब से आपको डिफरेंस बहुत ही ज्यादा मिल जाता है परफॉर्मेंस में, चाहे हम रियल लाइफ परफॉर्मेंस की बात करें, चाहे हम गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें, आपको एक्चुअल में CPU GPU में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस मिलेगा परफॉर्मेंस वाइज। इस डिवाइस का प्राइस एक्चुअल में 30,000 रुपए से थोड़ा कम रखना चाहिए था एक्चुअल में, या फिर प्रोसेसर जो है वो कॉम्पिटिशन के हिसाब से थोड़ा बढ़ा के देना चाहिए था सैमसंग को। अभी आप ये देख सकते हैं ये जो हमारी गेम चल रही है एस्फॉल्ट 9, ये कार रेसिंग गेम है और ये बढ़िया चल रही है, आराम से चल रही है। एक्चुअल में इस प्रोसेसर में कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कोई परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गेमिंग आराम से चल जाएगी आपकी, हाई एंड गेम्स भी। लेकिन जो बजट में बाकी डिवाइसेस हमें इतने ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हम एकदम फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उस हिसाब से देख के अच्छा नहीं लगता कि आपके हाथ में एक फ़ोन है, आपके फ्रेंड के हाथ में एक फ़ोन है और उसके पास स्नैपड्रैगन 855 आ रहा है और आपके पास हमारा स्नैपड्रैगन 730 आ रहा है। परफॉर्मेंस का काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये गेम आप देख सकते हैं हमारी बढ़िया चल रही है एकदम मजेदार तरीके से। अब फटाफट से हम लगाते हैं हमारी दूसरी गेम जो कि है पबजी। पबजी में आप ये सबसे पहले देख सकते हैं कि हमारी जो सेटिंग्स है HD ग्राफिक्स के हाई फ्रेम रेट पे हमें मिलती है। रिकमेंडेड सेटिंग्स से ऊपर आप नहीं कर सकते इसकी सेटिंग्स को। यही डिफरेंस एक्चुअल में और आ जाता है हमारे बाकी डिवाइसेस के साथ, उनके अंदर हमें HDR ग्राफिक्स के अल्ट्रा हाई फ्रेम रेट पे गेम रिकमेंडेड होती है। और कुछ हमारे Redmi के डिवाइसेस हैं जिनके अंदर तो हमें एक्चुअल में एक्सट्रीम फ्रेम रेट पे भी गेम रिकमेंडेड होती है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं मैंने गेम ऑन कर दी है और हमारी गेम HD ग्राफिक्स के हाई फ्रेम रेट पे ही चल रही है। खेलते हैं थोड़ी देर और मैं आपको बताती हूँ कि ओवरऑल परफॉर्मेंस पूरे 1 आवर के गेमिंग रिव्यू में हमें कैसी मिल रही है। वैसे अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, क्योंकि आगे आपके लिए ऐसे ही सारे वीडियो, सारे गेमिंग टेस्ट हमारे सभी फोन्स के और साथ ही डिस्प्ले टेस्ट आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। इसके साथ इस डिवाइस में एक और जो बढ़िया चीज आती है वो इसका डिस्प्ले है। 6.7 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले है, सुपर एमुलेट डिस्प्ले है, जो कि इसके अंदर आप देख सकते हैं कलर्स एकदम ब्राइट नजर आ रहे हैं, वाइब्रेंट से, मतलब गेम खेलने में एक्चुअल में मजेदार लगता है इसका डिस्प्ले, मूवीज देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है डिस्प्ले। डिस्प्ले वाइज तो कोई दिक्कत नहीं है, जिन लोगों को एक्चुअल में मूवीज ज्यादा देखनी पसंद है वो इसके डिस्प्ले को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, क्योंकि आपने मूवीज देखनी है उसके लिए 6.7 इंच का डिस्प्ले सबसे बढ़िया रहता है।
इसके साथ डिवाइस के अंदर हमें मिल जाती है 4500 mAh की बैटरी और 25 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है हमें बॉक्स के साथ। हालांकि 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग तो मुझे लगता है सैमसंग को अब हटा देनी चाहिए, जो 45 वॉट का चार्जर पड़ा है वो देना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने हमें S20 अल्ट्रा में भी नहीं दिया, S20 सीरीज में भी नहीं दिया 45 वॉट का चार्जर, तो इसमें तो क्या ही मिलना था। लेकिन मिलना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में 17,000 रुपए के बजट में हमें 30 वॉट का चार्जर मिल जाता है, और वो कंपनियां ट्राई कर रही हैं कि आपको और बड़ा चार्जर मिले उसी बजट के अंदर। यहाँ पे हमें 30,000 में 25 वॉट का चार्जर मिलता है, तो टाइम लगता है चार्जिंग में और बाकी टेस्टिंग में, मतलब पता चलता है कि यार इसमें टाइम लग रहा था, उनमें नहीं लग रहा था, उनमें मजा आ रहा था। सो सैमसंग के पास जब टेक्नोलॉजी है तो उन्हें देनी चाहिए हमें। इसके बाद डिवाइस के अंदर हमें जो कैमरा मिलता है, क्वाड कैमरा सेटअप है 64+12+5+5 का, जिसमें आपका माइक्रो शॉट आ जाता है, वाइड एंगल आ जाता है, आपका डेप्थ सेंसर आ जाता है। सो कैमरास देखे जाए तो हमारे काफी सही परफॉर्म करते हैं, और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है वो भी हमारा काफी सही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेम जो हमारी है वो एकदम स्मूथली चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही गेम खेलने में। हालांकि डिवाइस मुझे हल्का सा फील हो रहा है कि थोड़ा सा गर्म हो गया है। पूरा 1 आवर खेल के मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में कितनी रीडिंग आई है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा 1 घंटा हो चुका है हमें डिवाइस में गेम खेलते हुए। टेम्परेचर आप देख सकते हैं 38.9 डिग्री आया है, और बैटरी परसेंटेज अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं 17% हमारी बैटरी लगी है। पूरे 1 आवर की हमने गेमिंग करी थी, जिसमें 13 डिग्री हमारा टेम्परेचर राइज किया और 15% हमारी बैटरी लगी है। एक्चुअल में तो हमें डिवाइस के अंदर सेटिंग्स को बढ़ाने की कोई ऑप्शन नहीं मिली, ना ही कोई सीपीयू बूस्ट करने का डिवाइस के अंदर ऑप्शन थी, तो आपको इसमें एक्चुअल में एवरेज परफॉर्मेंस मिल रही है। अब हीटिंग की बात करें तो 13 डिग्री हमारा टेम्परेचर राइज किया है, जिनमें हमें एक्चुअल में लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी मिलती है, उसमें 9-8 डिग्री तक करता है इसमें हमारा एवरेज किया है, और बैटरी परसेंटेज भी हमारा जो बैटरी कंजप्शन है वो भी हमारा एवरेज ही है। तो गाइस ये था हमारा सैमसंग का गेमिंग रिव्यू, जिसके अंदर आपको एवरेज परफॉर्मेंस मिलती है बजट के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द वापस आऊंगी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।